हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। iOS 18.1 बेटा 5 का अपडेट जो है एप्पल ने कर चुका है पुश, और यहाँ पे इस अपडेट में क्या कुछ नया है, क्या खास है, सब चीज चेकआउट करेंगे। और ये जब अपडेट आती है तो मैं खुश होता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि इस अपडेट के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड चीजें भी हमको देखने मिलती। तो इस अपडेट में भी हमको एप्पल इंटेलिजेंस रिलेटेड काफी कुछ देखने मिलने वाला है। पहले बात करते हैं सबसे अपडेट के साइज के बारे में। तो यहाँ पे अपडेट का जो साइज आया है वो मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स पे आया है, तकरीबन 592 MB का, 1 GB का ही पकड़ लीजिए आप। और वहीं पे अगर मैं आपको अपने 16 Pro Max दिखाऊं, ये देखिए 16 Pro Max है, डेजर्ट टाइटेनियम, और इस पे जो केस लगा हुआ है एप्पल का ऑफिशियल जो केस आता है वो है अभी फिलहाल के लिए, और बहुत से केसेस में ट्राई करने वाला हूं। तो यहां पे जो अपडेट का साइज है 1.06 GB का, तो 1 GB का अपडेट आप समझ के चलिए अगर आप बेटा 4 पे थे। तो दोनों ही फोन का साथ साथ जो है सब कुछ चेक करेंगे। तो 18.1 बेटा 4 के अंदर जो अवेलेबल फ्री स्पेस था आईफोन 15 Pro Max पे वो था 534.33 GB और 16 Pro Max पे था 541 GB। और यहां पे मॉडेम फर्मवेयर स्लाइटली अलग था, क्योंकि मेरे आईफोन 16 Pro Max में अभी तक सिम नहीं है। मैं यही सिम जो है सिम को अभी फिजिकल कर रहा हूं और इसमें डाल रहा हूं, और फिजिकल ही रखने वाला हूं क्योंकि मैं बहुत सारे फोन्स ट्राई करते रहता हूं। तो अभी मुझे 4 फोन्स तो ट्राई करने ही हैं 16 सीरीज के, तो मुझे एक के बाद दूसरे में उसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। और एयरटेल में ईसिम ट्रांसफर डायरेक्ट फोन टू फोन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पे मॉडेम फर्मवेयर देख सकते हैं 2.20.02, ये मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स पे था, इस पे दूसरा था, ये छोड़ देते हैं, यही सिम वाला जो है वो सही है। और यहां पे अपडेट से पहले जो है जो iOS वर्जन था उसका बिल्ड नंबर स्लाइटली डिफरेंट था। जो 16 प्रो मैक्स है उसमें H था उसके एंड में, और 15 प्रो मैक्स में G था। अपडेट करने के बाद 18.1 ही रहने वाला है। 16 Pro Max में देख सकते हैं 541.93 GB है अवेलेबल फ्री स्पेस, जो कि बढ़ गया पहले से, लेकिन 15 Pro Max में ज्यादा अवेलेबल फ्री स्पेस जो है पहले के मुकाबले बढ़ गया है। दोनों के अंदर ही आपको नया मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड भी काफी फिक्सेस एप्पल ने किया है। और अपडेट के बाद दोनों का बिल्ड नंबर जो है अब एक्जैक्टली सेम हो चुका है, पहले अलग था लेकिन अभी दोनों के अंदर सेम बिल्ड नंबर आपको देखने मिलेगा। तो आइए चेकआउट करते हैं व्हाट्स न्यू इन iOS 18.1 बेटा 5। अब इस अपडेट में क्या कुछ नया है वो देखते हैं। और यहाँ पे मैं 16 Pro Max फिलहाल के लिए सामने रखता हूँ, क्योंकि कैमरा कंट्रोल से रिलेटेड भी अभी एक अपडेट आया है इसमें, जो कि 15 Pro Max में है नहीं। तो क्या डिफरेंट आया है, क्या है, वो चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की। कंट्रोल सेंटर का जो अपडेट आया है वो आपको फिर सारे जो iPhones 18.1 पे चल रहे हैं उन पे देखने मिल जाएगा। 18.1 पे आप पुराने iPhones भी चला सकते हो, ऐसा नहीं कि नए वाले। ये मेरा iPhone 11 भी 18.1 बेटा 5 पे चल रहा है, उसके बारे में भी मैं बात आपसे करने वाला हूं। तो यहां पे जो चीज आपको निकालनी है निकाल सकते, डाल सकते हैं, वो तो है ही कि इसमें से कोई भी आइकन आपको चेंज करना कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे ये जो आपको क्लटर नजर आ रहा है जिसमें आपके वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, ये सारी चीजें, इसको आप यहां से हटा भी सकते हो, क्योंकि एक एक चीज जो इंडिविजुअली आपको यहाँ पे देखने मिली। तो ऐड कंट्रोल में जाते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं सेलुलर में या कनेक्टिविटी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी में सेलुलर डेटा, ये सारी चीज तो है ही। अब वाईफाई और वीपीएन का भी ऑप्शन आपको आ गया, तो वाईफाई यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए और यहाँ पे इसको लेके चले जाइए सबसे ऊपर। उसके साइड में आपका मोबाइल डेटा रहेगा, उसके साइड में आपका जो ब्लूटूथ है वो रहेगा, और अगर आपको वीपीएन रेगुलर आप यूजर है तो यहाँ पे वीपीएन को भी हम ऐड कर देंगे, और वीपीएन ले जाके जो है यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसी के साथ या इसी के नीचे जो है आप और भी कंट्रोल के जो ऑप्शंस है वो रख सकते हैं, जैसे आपका पर्सनल हॉटस्पॉट है, पर्सनल हॉटस्पॉट को भी मैं यहाँ पे ऊपर मूव कर देता हूँ। और लास्ट चीज जो हमको रिक्वायर्ड होती है वो है एयरप्लेन मोड, तो एयरप्लेन मोड को भी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो अब क्या होगा, वो कनेक्टिविटी के अंदर जाके आपको सारी चीजें ओपन करने की जरूरत नहीं, यहीं से आप अपना वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल डेटा ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ वीपीएन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर जो जो चीज न्यू ऐड हुई है वो वाईफाई वीपीएन का ये कंट्रोल है। कंट्रोल सेंटर के अंदर अब यहाँ पे मैंने कस्टमाइजेशन तो कर दिए हैं, लेकिन मुझे कस्टमाइजेशन पसंद नहीं है। जो एप्पल का डिफॉल्ट iOS 18 वाला लुक है वो अगर पसंद है, वो चाहिए मुझे, मैं भूल चुका हूँ वो कैसा था। सिंपल है, आपके सेटिंग्स में आइए कंट्रोल सेंटर में, और यहाँ पे रीसेट कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे रीसेट कर दीजिए, और आपका कंट्रोल सेंटर फैक्ट्री सेटिंग्स में रीसेट हो चुका है। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि अगर आपको ये पेज ही नहीं चाहिए कंट्रोल सेंटर का, जैसे म्यूजिक वाला पेज नहीं चाहिए, मैं म्यूजिक नहीं सुनता, मुझे पेज की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको ये माइनस दबा के डिलीट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट हो सकता है, ऐड हो सकता है, जो चाहिए वो कर सकते हैं। अगर होम कंट्रोल्स आपके पास नहीं है हटा दीजिए उसको, अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी का अलग से पेज आपको नहीं चाहिए सिंपली इसको यहाँ से गायब कर दीजिए, वो पेज ही पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। और ऐड करना नया पेज तो फिर नीचे जाइए, ऐड कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल ऐड कीजिए, हो जाएगा आपका काम। अब आते कैमरा कंट्रोल बटन पे, तो कैमरा कंट्रोल बटन इस तरीके से लॉन्च हो जाता है। मैं इसको फोटो पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए, वरना फ्लिकर आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो ऑफिस की लाइटिंग है इंडिया के हिसाब से है, और यहाँ पे जो फ्रेम रेट है वो 60 FPS है इस वजह से, लेकिन यहाँ पे फोटो पे लेके चलता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे कैमरा कंट्रोल के अंदर अगर मैं इसको एक बार प्रेस करूं, तो यहाँ पे पता है आपको जो भी लास्ट कंट्रोल रहेगा उसके अंदर वो चला जाता है जो आपने सिलेक्ट किया होगा। दो बार अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूं और उसके बाद मैं यहाँ पे कैमराज में जाऊं, और कैमराज के अंदर अगर
मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए 0.5x है, 1x है, 2x है, 5x है, लेकिन 0.5x के पहले आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है एक और चीज, वो क्या चीज है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इस पे चले जाते हैं, ये है सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा भी आप कैमरा कंट्रोल बटन से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वापस अगर इसमें अंदर आपको जाना है और फ्लिप करना है पीछे वाले कैमरा पे, तो यहीं से आप फ्लिप भी कर सकते हैं। अब कितना यूजफुल आपके लिए है नहीं है, ये तो आपकी यूजेज के हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है उस पे। यहाँ पे भी कर सकते हैं आप फ्लिप, लेकिन कैमरा कंट्रोल में भी ये चीज एप्पल ने ऐड अभी कर दिया और फ्लिप आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर अगर आप न्यू शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हो या पुराना शॉर्टकट भी आपके पास, तो यहाँ पे आप एक्शंस के अंदर कंट्रोल सेंटर का भी एक्शन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शो कंट्रोल सेंटर हो जाएगा अगर वो शॉर्टकट आप रन करेंगे तो, या फिर आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो उसको, वो शॉर्टकट रन करने पे कंट्रोल सेंटर हाइड होता है, या टॉगल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ चुका है। आपके आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जो एप्पल इंटेलिजेंस सीरी का आइकन है, अब इसके अंदर डार्क मोड भी सपोर्टेड है। तो यहाँ पे अपने फोन को मैं डार्क मोड में डालता हूँ और यहाँ पे देखेंगे आप नया आपको डार्क मोड वाला एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी का आइकन देखने मिलेगा, और उसके आगे छोटा सा बी भी है क्योंकि अभी ये बेटा में है। सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी में अगर आप चले जाते हो और यहाँ पे आप नीचे जाते हो, तो फेस आईडी एंड अटेंशन का जो आपको ऑप्शन देखने मिलता है, इसका आप सिंबल देखेंगे या आइकन देखेंगे तो ये ब्लू कलर का हो गया, ये भी चेंज है। आपके आईफोन की सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको जो अपीयरेंस के अंदर वॉलपेपर आपको नजर आ रहे हैं ये iOS 18 वाले है, बीटा 4 के अंदर iOS 17 के ही वॉलपेपर दिखाता था। और अब आते हैं पुराने आईफोन, मैंने आपको बोला था कि मैं आईफोन 11 के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूं, तो आईफोन 11 ही नहीं आईफोन 10R पे भी मैंने आपको बताया था कि कॉल रिकॉर्डिंग जो है अब आ चुकी है। तो एक कॉल करते सबसे पहले, और उसमें मैंने वो चीज भी बताया था आपको कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड न्यूज ये है कि अब ट्रांसक्रिप्शन भी प्रॉपरली काम कर रहा है, मेरे आईफोन 11 पे नहीं कर रहा था लेकिन अब कर रहा है iOS 18.1 बीटा 5 में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो यहां से आप इसको एनेबल कर सकते हैं और यहां पे जो कॉल है दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड करके एक प्रॉम्प्ट सुनाई देगा, और उसके बाद आपकी कॉल जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, एनिमेशन भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और टेक नोट्स ऑन दिस कॉल, अगर आप चाहे तो नोट्स में कर सकते हैं क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये नोट्स में जाके ही सेव होने वाली है। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं अगर आपके कॉल के बीच में ही, तो यहीं से आप स्टॉप कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी लेकिन आपका कॉल कंटिन्यू होते रहेगा। और फिर से आप कॉल रिकॉर्डिंग इसी कॉल में डबल से करना चाहते फिर से ऑन करना चाहते यहीं से ऑन कर सकते हैं। इस कॉल को मैंने एंड कर दिया है और यहाँ पे हम नोट्स में जाते हैं, टू व्यू आर सेव्ड कॉल, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉल विद माय नंबर करके लिखा रहा है, यहाँ से मैं कॉल प्ले कर सकता हूँ जो मैंने अभी बात किया। हाई क्वालिटी कॉल रिकॉर्डिंग नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे टैप करेंगे तो अब जो है नो ट्रांसक्रिप्ट दिखा रहा है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब डिपेंड करता है कितना मॉडर्न फोन है आपका, कितना पुराना है, या फिर हो सकता है एक बग है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम इसको प्ले करते हैं और कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पे आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन भी देखने मिलेगा, बट दिस वर्क्स ओनली इन इंग्लिश जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो हिंदी में हम बात करते हैं वो यहाँ पे अब ट्रांसक्राइब करके दिखाएगा। फिलहाल ये बीटा वर्जन है, बीटा में चल रहा है, आगे जाके क्या होता है ये तो वक्त ही बताने वाला है। अब ये जो रिकॉर्डेड कॉल है, मैं सेम कॉल को, क्योंकि नोट्स तो सेम है, एप्पल आईडी सेम है, मैं अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स में ओपन करता हूं, देखते हैं यहां पे ट्रांसक्रिप्शन आता है या नहीं। तो यहां पे मैं अगर ट्रांसक्रिप्शन करूं तो अभी नहीं आ रहा, मतलब ये बग ही है। तो फोन का स्लो होना फास्ट होने से कोई इसका कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है कॉल रिकॉर्डिंग यहां पे है, ट्रांसक्रिप्शन भी अवेलेबल होगा लेकिन थोड़े टाइम ट्राई करने के बाद, क्योंकि अभी ये फिलहाल ओएस इतना स्टेबल नहीं है। इसके अलावा क्या कुछ यहां पे जो बग्स थे वो फिक्स हुए हैं, दो बग जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मैं आपको बताता हूं। जब मैं अपने एयरपॉड्स 4 जो लेटेस्ट आए हैं इसको सेटअप कर रहा था अपने 15 प्रो मैक्स पे, क्योंकि मेरा प्राइमरी फोन यही था अभी तक, तो अभी 16 प्रो मैक्स पे जा रहा हूं मैं, तो यहां पे जब मैंने इसको ओपन किया और यहां पे जो पॉपअप आना चाहिए वो पॉपअप के अंदर ये एयरपॉड्स 4 दिखा ही नहीं रहा था। तो वीडियो के अंदर मैंने दूसरे फोन के ऊपर जिसमें स्टेबल वर्जन चल रहा था, शायद मैंने आईफोन 16 से कनेक्ट किया था, उसमें स्टेबल वर्जन पे मैंने इसको कनेक्ट करके बताया था, जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये बग यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, और अगर बीटा 5 पे हो तो आपको ये एनिमेशन पॉपअप के अंदर दिखाएगा। एयरड्रॉप से रिलेटेड बग बहुत बड़ा था जो मैं बहुत ज्यादा फेस करता अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स पे, मेरा मैकबुक दिखाता ही नहीं था, मैकबुक पे एयरड्रॉप करने पे एयरड्रॉप जाता ही नहीं था, तो इसकी वजह से एक दो तीन दिन मुझे प्रॉब्लम बहुत हुई। तो अभी एक एयरड्रॉप करके देखते हैं, यहाँ पे एयरड्रॉप में जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे डिवाइसेज यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं जो जो यहाँ पे ओपन है अभी फिलहाल, और यहाँ पे मेरा मैकबुक प्रो रखा हुआ है, मैं इस पे जो है एयरड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंटली एयरड्रॉप हो गया, आपको आवाज भी आई होगी एयरड्रॉप की, इंस्टेंटली हो गया, तो कोई मुश्किल अभी इसमें नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसके रिलीज नोट्स ये भी चेक कर लेते हैं, क्या कुछ और बग्स है क्या है सब पता चलेगा। तो नोन इश्यूज देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नोन इश्यूज है, यहाँ पे ये पुरानी बात अभी भी लिख रहा है कि iOS और iPadOS बीटा 5 से आप लेटेस्ट iOS 18.1 पे नहीं अपडेट कर सकते, लेकिन इसका वर्क अराउंड यही है कि आप बीटा 5 से मत आओ, थोड़े और अपडेट्स कर लो उसके बाद आओ। न्यू फीचर्स के अंदर क्या बग्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरी का जो नया UI है वो कारप्ले में बड़े डिस्प्ले के ऊपर प्रॉपर्ली रेंडर नहीं हो रहा है। अगर आप कैप्चर एक्सटेंशन
एक्सटेंशन के साथ कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आपको कुछ सिस्टम क्रैश वगैरह देखने मिल सकता है कैमरा कंट्रोल वाले आईफोन्स पे। फाइल्स एप्लीकेशन में कुछ फिक्सेस किए गए हैं, हेल्थ किट रिजॉल्व किया गया, हेल्थ किट से रिलेटेड इशू, लॉक स्क्रीन से रिलेटेड जो है स्पॉटलाइट नहीं आ रहा था पुल डाउन करने पे तो वो सॉल्व हो गया है, मेल रिलेटेड सीरी रिलेटेड इश्यूज जो है यहाँ पे अभी भी है, नोन इश्यूज अभी भी है इसके अंदर, और बहुत सारे नोन इश्यूज आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। तो ये उतना भी स्टेबल नहीं है अपडेट, लेकिन अच्छा अपडेट है और आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे नया फोन है तो 100% रहेगी, उसका दिखा के फायदा नहीं है। ये फोन का दिखाता हूं मैं आपको, बैटरी हेल्थ में लेके चलता हूं तो 89% थी, 89% है, मतलब अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ जो है वो गिर रही नहीं है। ये सब अपडेट्स में हीटिंग भी इतनी नहीं है तो बैटरी फटाफट नहीं गिरेगी। 89 क्यों है, क्योंकि पहले से बेटा वर्जन पे चला रहा हूं, जब से बेटा वर्जन आए हैं और उस टाइम पे बहुत हीट हो रहा था, बैटरी ड्रेन हो रही थी, अभी भी कोई बैटरी ड्रेन कम नहीं है, लेकिन बैटरी हेल्थ उतनी नहीं गिर रही है और साइकिल काउंट भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा है मेरे फोन का। स्टोरेज की बात करूं गाइस तो यहां पे स्टोरेज तो बढ़ गया है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर भी आईफोन स्टोर में लेके चलता हूं और आपको ये दिखा देता हूं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आप लोग बोलते हैं कैसे करते हैं, तो कैसे करते की बात नहीं, फोन को यूज करो रेगुलरली और नॉर्मली यूज करो और उसको ऑप्टिमाइज रखो, सब चीज आपकी सही रहेगी, सिस्टम डेटा जो है वो कम रहेगा और ज्यादा भी रहता है तो फिक्र मत करो क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है भैया, नीड जो है आपके फोन की अलग अलग रहती है, आपका जो यूजेज पैटर्न अलग अलग रहता है उस हिसाब से वो कम ज्यादा होता है। और रही बात नेटवर्क की, तो जब से मैंने अपडेट किया है मैंने काफी सारे कॉल्स वगैरह किए तो यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड मुझे अभी फिलहाल कोई इशू नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है लेकिन आगे जाके आ सकता है, तो भी बता रहा हूं मैं आपको। फिलहाल ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरड्रॉप, सेलुलर डेटा सारी चीजें प्रॉपर्ली काम कर रही है। बेंचमार्क चेक कर लेते हैं अभी और यहाँ पे 16 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स में कितना डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले बिफोर एंड आफ्टर का देख लेते हैं, तो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टी कोर का स्कोर 15 प्रो मैक्स पे देख सकते हैं 2830 7001 और अभी है 2934 7343, तो इतना ज्यादा स्कोर जो है बढ़ चुका है, लेकिन 7343 इतना ज्यादा स्कोर बहुत ही कम बार गया है, यहाँ पे देख सकते हैं काफी पुरानी बात है 7389 जो है गया है iOS 17.5 पे, तो वैसा परफॉर्मेंस शायद आपको फिर से देखने मिलेगा, बस स्टेबिलिटी और बैटरी लाइफ भी वैसी मिल जाए iOS 17 जैसी तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जीपीयू का स्कोर अगर देखते हैं, यहाँ पे जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं, 27880 था और अभी है 28447, और वही मैं अगर आपको 16 प्रो मैक्स पे दिखाऊं, अभी मैंने जस्ट बेंचमार्क निकाला तो ये और पावरफुल है, 32809 है इसका जीपीयू स्कोर, और सीपीयू का स्कोर जो है वो भी देख सकते हैं कितना ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू 15 प्रो मैक्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट 16 का भी जो है जीपीयू सीपीयू स्कोर जो है वो 15 प्रो प्रो मैक्स से ज्यादा है। अपडेट्स अभी बहुत सारे आने वाले हैं, iOS 18.0.1 आपको देखने मिलने वाला है पब्लिक स्टेबल वर्जन, क्योंकि 18 के अंदर काफी सारे बग्स है, बैटरी ड्रेन इश्यूज है, वो सब फिक्स होने चाहिए, तो उसका भी अपडेट आपको देखने मिलेगा। कब मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, नेक्स्ट वीक मिलेगा, वो एक्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, बट मिलने वाला है आपको अपडेट। और इसका बेटा 6 जो है मे बी नेक्स्ट वीक आपको अक्टूबर में देखने मिलेगा। क्या आपको iOS 18.1 बेटा 5 पे अपडेट करना चाहिए? अगर आप बेटा 4 पे तो करना चाहिए, अगर आप 18 पे हो तो कोई जरूरत नहीं है करने की, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, क्योंकि iOS 18 में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, तो 18.1 पे आप अपडेट कर सकते हो उस केस में। और अगर आपको कोई भी डील्स चेकआउट करना है किसी भी लेटेस्ट आईफोन पे, अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल भी शुरू होने ही वाला है, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स कर सकते हैं आप, और वहाँ पे जाके सारे जो लेटेस्ट डील्स है वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई खरीदना है आईफोन या लेना चाहते हो एयरपॉड्स या एप्पल का 20 वॉट का चार्जर, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। यूट्यूब का नया फीचर है तो वो फीचर को आप चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।